छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक घर के आंगन में किलकारी गूंजने वाली थी। इस बात से गर्भवती महिला के पति और परिजन बेहद खुश थे। वह सभी महज एक माह के भीतर आने वाले नए मेहमान के इंतजार में थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने कमरे में घाट पर सो रही महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। संजीवनी कर्मियों को सुदूर वनांचल गाँव तक पहुँचने में घंटा लग गया। जब तक वो सर्प दंश का शिकार गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंचती, बहुत देर हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने परीक्षण के उपरांत महिला को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पालको थाना क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम डोंगा घाट में श्याम सिंह निवासी रहता था। वह खेती किसानी कर पत्नी सुमन के अलावा तीन बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। उसकी पत्नी सुमन चौथी बार 8 माह से गर्भ में थी। हाँ, ये जिला अस्पताल कोरबा से मृतिका सुमन, पति श्याम, उम्र 29 वर्ष, पता डोंगा घाट, थाना बालको, को सर्प दंशित अवस्था में लाने संबंधी अस्पताली में प्राप्त हुआ था, जिस पर पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल कोरबा में सुने पर मार्ग कायम कर शव पंचनामा जाँच कर लिया गया था। आज दिनांक मृतिका के शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को किए हुए रवाना किया गया है। जाँच दौरान मृतिका के पति और उसकी माँ का बयान लिया गया है, जिन्होंने बताया कि मृतिका रात में घाट में सोई थी और ये रात में आज 8/8/23 के रात्रि करीब 1 बजे के आसपास ये जो है उठ कर अपने पति को बताई कि दायां पैर के पंजा में डंडा कराए सांप ने काट लिया है। तब जो है ये स्थानीय स्तर पर इलाज करा रहे थे, फिर जो है एक स्वाट वाहन से जिला अस्पताल कोरबा लाए तो यहाँ ये 6:40 में ब्रॉड डेड थी। श्याम और उसके परिजन विवाहिता का बेहद ख्यास ख्याल रख रहे थे। उन्होंने जल्द ही घर में नए मेहमान के आगमन को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी खुशी उस समय धरी की धरी रह गई जब गर्भवती महिला को रेंगती मौत ने चपेट में ले लिया। प्रतिदिन की तरह रात में श्याम और उसके परिजन अपने अपने कमरे में सो रहे थे। उसकी पत्नी भी खाट पर सोई थी। इसी दौरान रात करीब 1 बजे गर्भवती महिला को पैर में किसी जंतु के काटने का एहसास हुआ। उसके मुंह से दर्द के कारण चीख निकल गई। उसने उठकर देखा तो कैरत प्रजाति का सांप खाट के सभी रह रहा था। रात में खाना वाना खा के सोए रहे, इस टाइम में सांप चाट के काट दी। मतलब फिर उठ के मुझे बताई, फिर मैंने के फिर फोन उन करके हॉस्पिटल लाए। रात में ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ डॉक्टर के टाइम से डॉक्टर बोले फिर नहीं खत्म हो गया। सर्वदंश की जानकारी होते ही परिजन महिला को की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने महिला को अस्पताल ले जाने के लिए 108 डायल कर संजीवनी एक्सप्रेस की वो भी सूचना दी, लेकिन बीहड़ वनांचल क्षेत्र होने के कारण संजीवनी कर्मियों को गांव तक पहुंचने में घंटों लग गए। संजीवनी कर्मी तड़के करीब 4:30 बजे सर्वदंश पीड़िता को लेकर गाँव से रवाना हुए। वह सुबह करीब 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी।